गांव वालों को मेरा पढ़ना लिखना बिल्कुल पसंद नहीं था। पापा से बोलती थी कि पढ़ लिख कर कलेक्टर बनेंगी क्या। गांव का आवारा लड़का रघु मेरी बहन प्रीता के साथ छेड़खानी करता था। उसने कई बार उसके साथ बदतमीजी करने की भी कोशिश की। उन्हें लगता था कि अगर हम आगे निकल गए तो उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं रहेगी। फुटबॉल के मैदान पर प्रीता के कड़े जवाब ने रघु की झूठी मर्दानगी को बहुत ठेस पहुंचाई। पैदल चलकर कॉलेज जा रहे थे। सुबह का टाइम था। पीछे से एक बड़ी गाड़ी आई। उनका उद्देश्य हमें मारना ही था। एक दिन प्रीता मैदान में फुटबॉल प्रैक्टिस कर रही थी कि तभी रघु का एक दोस्त हाथ में कुछ छुपाकर दौड़ते हुए आया। जोर से गाड़ी मेरी तरफ आई। हमने उसे देख लिया, बचे वहां से, पर गाड़ी की स्पीड इतनी तेज थी कि वो आके हमारे पैर पे लग गई। जैसे ही प्रीता फुटबॉल को किक मारने के लिए उछली, रघु के दोस्त ने बोतल में भरा तेजाब प्रीता के शरीर पर उछाल दिया। प्रीता दर्द से तड़प उठी। वो बहुत बुरी तरह जख्मी हो गई थी। पर कहते हैं ना, हिम्मत ए मर्दा तो मदद ए खुदा। प्रीता ने हिम्मत नहीं हारी। अपने हौसले और अस्पताल के उपचार के चलते प्रीता फिर से फुटबॉल के मैदान पर उतरी। हमें चोट जरूर लगी थी। घर आके जब हमने सबको इस बारे में बताया तो सबने यही कहा कि इस घटना से हम डरेंगे नहीं। जानते हो स्नेह दी, मुझे प्रीता दी और अपनी कहानी जुड़ी हुई सी लगी। जैसे कि कहते हैं ना कि पानी कभी रुकता नहीं है, वो अपने लिए रास्ता बना ही लेता है। आज मुझे यकीन हो गया है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं जो स्नेहा का किरदार निभाती हूँ वो कोई काल्पनिक किरदार नहीं है। वो हमारी असल जिंदगियों से, वास्तविकता से जुड़ा हुआ एक किरदार है। और खास तौर से लाडकुंवर की, जो कि इस मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव नया गांव की रहने वाली है, इसकी कहानी सुनकर मुझे यकीन हो गया है कि जिन मुद्दों से मैं उस धारावाहिक में जूझ रही हूँ वो सब हमारी असल जिंदगी के मुद्दे हैं। और इसीलिए इस असल जिंदगी की असली नायिका है लाडकुंवर, मैं नहीं। कभी मैं बंद मुट्ठी, कभी मैं खुली हथेली, कभी मैं सुलझी सुलझी, कभी मैं कोई पहेली। रेशम की डोर को लोहे सा कर सकती हूँ, उसकी सा भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो जब तुमने पढ़ना शुरू किया, दसवीं के बाद में पढ़ने वाली तुम इस गांव की पहली लड़की हो ना। छतरपुर तक तो क्या, यहाँ से जो आसपास के गांव होते हैं जैसे कि बेतहसील होती है वहाँ तक भी नहीं कोई गया। और अब तुम क्योंकि कॉलेज पढ़ रही हो तो तुमको देख के दूसरी लड़कियां भी आगे पढ़ने लगी हैं। अब तो वो खुद बोलती हैं कि हम भी पढ़ेंगे। अब सब लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं। हाँ। तुम्हारे बारे में उदाहरण देते हैं। हाँ। पर जब पहले तो ऐसा नहीं रहा होगा, पहले तो बहुत ताने सुनने को मिले होंगे। हाँ, बहुत ज्यादा। यहाँ से निकलती थी ना, एक दूसरे को सुना के कहते हैं कि क्यों, अगर पढ़ेंगे पढ़ लिख के क्या करना है, लड़कियों को वैसे भी खेती ही करना है। हमने उनसे हमेशा कहा कि हाँ ठीक है, अगर हम खेती भी करेंगे ना तो हमें ये जानकारी रहेगी कि मिट्टी का परीक्षण कैसा करवाना है, इसमें कौन सी खाद डालनी है, कौन सा पौधा कब उगाना है। पहले तो हम लोग गांव वाले कहते थे कि शादी कर दो, अब ज़्यादा पढ़ाना कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब लाडकुंवर बहन बोली कि नहीं, हमको शादी नहीं करना है और हमको पढ़ना ही है, तुम कुछ भी कर लो, फिर कॉलेज जाने लगी। जब इतने पढ़ लिख गई तो फिर हम लोगों को अच्छा लगे कि कुछ आगे करके दिखाएंगे, तो फिर हम लोगों ने फैसला किया।
के लिए बहुत सारे कष्ट सहने पड़ते होंगे, समस्याएं आई होंगी, तो उसने किस प्रकार से अपने परिवार के लोगों को मनाया होगा। और यहाँ तक काले गांव से आते पढ़ने, बहुत सारी समस्याएं भी तो होती है वहां से, गाँव से आते हैं तो जब बच्चा 30 किलोमीटर दूरी से आएगा तो कितने बजे चलेगा, 6 बजे जब चले तब तो यहाँ पहुंचेगा। तो उसने इन सारी परिस्थितियों को झेलते हुए भी कुछ ना कुछ किया। क्या आपको पता था कि लाडकुवर अपने गांव की इकलौती ऐसी लड़की है जिसने बाहर निकल के इतनी आगे तक पढ़ाई की है? नॉर्मल जैसे स्टूडेंट होते हैं वैसे ये भी हमारे लिए एक स्टूडेंट ही थी। बाद में इनके साथ रहने के इन्होंने बताया कि सर मैं आती हूँ घर से और दूर पड़ता है, तो उसके बारे में जो भी समस्या होगी तो बताना भी, तो जो हम लोगों से जितना हो सकता था मदद करने के लिए तैयार रहते थे। गाँव से वही अकेली आती है पढ़ने के लिए, इतनी सुबह से आती है, 6 बजे घर से निकलती है, 8 बजे कोचिंग आती है, 12 बजे तक 1 बजे तक बैठी रहती है। इसका नेचर भी अच्छा था, बोलती है वैसे ही अच्छा। आपको भी बहुत सारे लोगों ने कुछ कुछ समझाने की या कुछ कहा होगा, ताने दिए होंगे? जैसे बोले तो कुछ लोग ये भी धमकी देते थे कि छतरपुर में हम कुछ भी करवा देंगे, क्योंकि उन्हें लगता था कि जैसे भी बने तो इनको इतने आगे तक बढ़ने नहीं देना। पर लोगों ने इस तरह की धमकियां दी तो तुम्हें कभी डर नहीं लगा? हमें कभी डर नहीं लगा, इसलिए डर नहीं लगा कि हमें ये लगता था कि हम चाहे कितनी भी हमारे सामने वो आ जाए, मुसीबतें आ जाए, पर हम ये सोचते रहे कि हमेशा हमें उनसे टकराना चाहिए। प्रतापपुर में मेरा स्वागत धमकियों से ही हुआ था, पर मैंने हिम्मत करके अपने कदम आगे बढ़ाए। इन धमकी भरे कांटों से बचते बचाते मैं आगे बढ़ती रही, आज तक कोई नहीं रोक पाया। मेरी बेटी की सलामती मेरे लिए मायने रखती है। मेरे लिए मेरा संघर्ष मायने रखता है। ये रास्ता मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। तो हम भी तो एक लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमने कहा कि तुम बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो, हम अपनी पूरी सुरक्षा रखेंगे। आपने कभी उनके लिए कुछ कंप्लेन करने के बारे में नहीं सोचा? तो हमने सोचा कि पहले हमें उस लायक बनना चाहिए, तब जाके हमें उसको जवाब देना चाहिए। हमेशा किसी इंसान को ऐसा नहीं कि उसके सामने जाकर के लड़ना चाहिए, एक हमें अपने आप में कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो खुद झुक जाए, उसे झुकाना ना पड़े। ये सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आई? सीरियल देखा तो बहुत अच्छा लगा, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, उसमें तो ये सब हुआ भी है। मुश्किल घड़ी में कमजोर पड़ने के बजाय, टूटने के बजाय खुद को मजबूत कर सकते हैं, इतना मजबूत कि सामने वाला तुम्हारे सामने कमजोर पड़ जाए। आंसुओं की लाचारी के साथ नहीं, हंसी की ताकत के साथ दुनिया का सामना करो। आप लोगों को देख के ही इतने जागरूक हुए हैं कि ऐसा किया है तो हम भी कर सकते हैं। आपने हमारी जबरदस्ती शादी की, हम तो पढ़ना लिखना चाहते थे। क्या करेगी, पढ़ लिख कर प्रधानमंत्री बनेगी? हाँ बनूंगी मैं प्रधानमंत्री। जब उनने किया है तो हमें भी करना चाहिए उनको देख के। तो जब ये तुम्हारी शादी करवाना चाहते थे तो तुम कैसे उससे बाहर निकली, कैसे बची उस चीज से? हमने इनको एक बात ये समझाई, बहुत कोशिश की, इनसे पूछा कि तुम ये बताओ तुम दहेज कितना दोगी, जितना पैसा लगाना चाहती हो वो तुम हमारी पढ़ाई में लगा दो, तो उन्ही पैसों से वैसे तो हमें नहीं कमा पाना, वो तो खर्च हो जाएगा, पर वो पैसे हमारी पढ़ाई में लगेंगे, तो एक तो जो ज्ञान होता है वो कोई चुराता नहीं है, खर्च नहीं होता है, और दूसरा जब हम जॉब करेंगे तो उससे और ज्यादा पैसे आएंगे, तो वो हम तुम्हें दे देंगे, तुम दहेज ले लेना उसका। फिर हमारी बात समझ में आ गई, फिर हम दोनों बैठे साथ में दोनों जने, फिर इनके पापा बोले क्या पढ़न दो, हमने इतना तो तुम पढ़ाते रहा, जब तो हम बने पैसा टका तुम पढ़ाते हम पैसा लगाते रहे। सर अब आपको लाडकुवर से क्या उम्मीद है? हमारी उम्मीदें यही हैं कि जाए आगे, काफी तरक्की करे, और शुरुआत करने वाला चाहिए, शुरुआत जब प्रारंभिक स्टेज, इसके पीछे तो चलने वाले बहुत सारे हो जाते हैं। तो पढ़ रही है, जब मेहनत कर रही है, होशियार भी है और अच्छे मार्क्स लाती है, तो सपोर्ट करना चाहिए सबको पढ़ने के लिए, ताकि वो आगे बढ़े, जॉब करे, और फिर और लड़कियों को भी तो फिर प्रोत्साहन मिलेगा, अप्रिसिएशन होगा। अब तो वो ये कहते हैं कि जब तक तुम नहीं कहोगी तब तक हम नहीं कहेंगे कि शादी करो। तुम्हारे हौसले और मेहनत को देखकर मन विश्वास से भर जाता है। एक कविता याद आती है,
नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस बनता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।